दोस्तों, आप सभी लोग संगम की नगरी प्रयागराज के विषय में तो जरूर जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में संगम नगरी में आए एक साधु ने ऐसा कारनामा किया कि वह चर्चा का विषय बन गए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में हर वर्ष माघ के मेले में लाखों की भीड़ कल्पवास करने के लिए जुटती है। श्रद्धालुगण समूचे भारत से लोग आकर यहाँ पर एक महीने तक रहते हैं। माघ के मेले में आमजन सहित साधु संन्यासी भी बड़ी तादाद में संगम स्नान के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ अपने अजब गजब दिखाने के कारण चर्चा में आ जाते हैं। इस बार माघ के मेले में ऐसे ही एक साधु चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्होंने अपने सिर पर अनाज उगा लिया है। ये साधु हैं अनाज वाले बाबा, जिन्होंने अपने सिर पर जौ, चना, मेथी, उड़द बोए थे, जिनमें से अब कलियां निकलने लगी हैं। इनका नाम अमरजीत संत रविदास है, जो मारकुंडी जिला सोनभद्र से प्रयागराज मेले में आए हुए हैं। इन पौधों को उन्होंने एक कपड़े के सहारे बांध रखा है। इनमें सबसे खास बात यह है कि इन पौधों को उगने के लिए उन्होंने इसमें कोई मिट्टी नहीं डाली है और यह पौधे उनके शरीर से ही पोषण ले रहे हैं। उनके सिर से पौधे उगाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अपने प्रण के चलते किया है। उनका प्रण है कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बने, जिससे कि वो उनके दर्शन के लिए जा सकें, उन्हें भगवान राम के दर्शन जल्द ही हो सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी जटाओं में इन अनाज की बलियों को उगा लिया है। यह अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और सभी के पास शेयर करिए।